देखिए बात करते हैं हम कि जो आपका फिफ्टींथ यानी कि जो आपका फिफ्टींथ ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहले आता है नाइट्रोजन याद नहीं की मैं आपको ना सिंपली एक बार याद करा देती हूँ पाटेकर असनानी सब बिंदास ओके अब आपको मोस्टली किसके बारे में पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में और थोड़ा बहुत फोस्फोरस के बारे में यही आपके सिलेबस में है ठीक है तो अब देखिए फटाफट से और बहुत सारी ट्रिक्स भी देखेंगे हम अभी तो देखिएगा सिलेबस है आपका ये कि यानी कि आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है अमोनिया के बारे में पढ़ना है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ब्राउन रिंग टेस्ट एंड एच ठीक है तो आप इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे अब आगे बात कर लेते हैं कि इन रिएक्शन के बारे में देखिएगा बेटा जी ध्यान से बहुत ध्यान से देखो अब मैं आपको ना यहाँ पर आ, देखो इनऑर्गेनिक याद करने का तो होता ही है तो इनऑर्गेनिक को याद किया जा सकता है विद द help of the tricks ठीक है तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और आप आई प्रॉमिस ये सारे वीडियोस मतलब ये ये सारे रिएक्शंस अब अपने साथ अच्छे से दिमाग में लेकर जाओगे देखो बेटा सबसे पहले हीटिंग का मतलब समझते हैं आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारी रिएक्शंस में मैंने हीटिंग लिखा हुआ है तो हीटिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप हीट कर रहे हो ठीक है अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी चीज को चीज को हीट किया जाए तो सबसे पहले उसमें से क्या निकलता है हम्म अगर उसके अंदर पानी प्रेजेंट है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या होगा पानी वाष्प्युलेट होगा राइट तो अब यहां समझिएगा कि यहां पर मुझे साफ या तो पानी या फिर कोई गैस निकलेगी अब यहां देखिएगा NH4NO2 अगर मैं इसको हीट कर रही हूं तो आप क्या करिए ट्रिक है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पानी निकाल दीजिए देखिए अगर आप NH4 NO2 से मैक्सिमम अमाओं का वाटर निकालोगे तो वो कितना निकलेगा टू मॉलिक्यूल्स राइट देखो है ना दो ही तो बन सकते हैं अगर आप टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालोगे तो बचेगा क्या हुँ? एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यानी कि एन टू बचेगा ओके okay, तो यहां पर मैंने क्या लिखा एन टू प्लस टू एच टू डन चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं बेटा जी देखिएगा अब आगे आते हैं दोबारा हीटिंग का हीटिंग की बात करते हैं यहां पर क्या है NH4 फोर ट्वाइस सी आर टू ओ सेवन इसको मैं लिख सकती हूं एन टू एच एट सी आर टू ओ सेवन अब यहां देखिए अब आप निकालिए यहां से पानी वाटर मॉलिक्यूल निकालिए अब आप यहां से अगर पानी निकालोगे तो देखो जरा वाटर निकालोगे तो आप मैक्सिमम कितना पानी निकाल सकते हो आपको ये देखना है ठीक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पानी कितना निकाल सकते हो सोचो सोचो यहाँ पर अगर चार है एच टू ओ ठीक है तो आप कितना निकाल सकते हो चार निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइड्रोजन निकल जाएगा आठ पर ठीक है तो चार वाटर के मॉलिक्यूल अगर निकलेंगे तो क्या बचेगा देखो चार वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए तो हमारे ऑक्सीजन कितने बचे सात में से चार गया तीन ऑक्सीजन बचे यानी कि मेरे पास बच गया सी आर टू ओ थ्री और एन टू अब देखो क्या ये स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं कुछ एक साथ नहीं तो क्या निकल जाएगा एन टू प्लस सीआर टू ओ थ्री प्लस टू वेरी वेरी इजी ट्रिक ठीक है आप चलिए आगे चलते हैं बहुत ही आसान है बहुत 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 आसान है यार पी ब्लॉक तो तुम तो बिना मतलब इतना परेशान हो रहे थे देखो यहां पर क्या लिख दो एन टू टू ओ थ्री और कितना मॉलिक्यूल था वाटर का चार था ठीक है अच्छा बेटा जी इसका कलर ग्रीन होता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखें ये आपको पूछा जा सकता है वैसे अभी नहीं पूछेगा क्योंकि आपने D block, D F नहीं है। बट स्टिल अब आगे आते हैं बी एन थ्री और बी एन थ्री वाइज और एन ए एन थ्री बेटा इनकी खास बात यह होती है कि अगर मैं इसको हीट करूं तो मेरा सोडियम और बेरियम बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा एंड गिव यू नाइट्रोजन और कौन सा नाइट्रोजन देंगे दे विल गिव यू प्योर नाइट्रोजन प्योर तो अगर आपसे पूछ ले कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है तो आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द प्रिपरेशन मैथड गिव प्योर नाइट्रोजन और मान लीजिए चारों तीनों आपके ऑप्शन में है ठीक है तो आप क्या बोलेंगे ये देन और अगर मोर देन वन में आया है तो आपके ये दोनों करेक्ट होंगे बात समझ में आ गई ठीक है कि ये क्या देते हैं आपको प्योर नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं प्योर एंड ड्राई नाइट्रोजन याद रखेंगे प्योर एंड ड्राई नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं ठीक है डन अच्छा बेटा जी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गाड़ी के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं उनमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है तो उसमें ये यूज किया जाता है बे, बेटा जी वो जो एयर बैग्स होते हैं जो आपको पता होगा कि आ, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो फटाफट फड़ से क्या होता है कि वो एयरबैग्स खुल जाते हैं ठीक है थीके? ताकि जो भी पर्सन जो भी बैठा हुआ है उसके अंदर उसको चोट ना लगे ठीक है तो क्या होता है बेटा जी उसके अंदर यही होता है और वो फटाफट डिकम्पोज होकर टूट कर क्या दे देता है हमारा एन टू दे देता है और एन टू आपको पता है इनर्ट है तो वो हमें नुकसान भी नहीं करेगी आपसे ये भी पूछ सकता है वाई एन टू इज एनर्ट ठीक है ये पूछ सकता है एन टू इनर्ट क्यों है तो बेटा याद रखिएगा कि इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर जो आ, आ, पाई बॉन्ड होंगे उनकी एनर्जी कम होती है ठीक है वो आपने एमओ में अच्छे से पढ़ा होगा क्लास में कि उनके पाई बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कम होती है तो तो रीजन में अगर पूछे तो आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं चलिए और आ, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि नाइट्रोजन एनवायरमेंट में सेवेंटी एट परसेंट प्रेजेंट होता है अठहत्तर प्रतिशत इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है अरे ऑक्सीजन इक्कीस प्रतिशत है ट्वेंटी क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों से रिएक्ट कर लेता है वेयर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डू नॉट राइट इसीलिए बेटा जी जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है एनवायरमेंट में अच्छा आगे आते हैं डू नॉट नहीं डज नॉट अब यहां आते हैं एनएच फोर अगर मैं इसको हीट करूंगी तो वापस से क्या निकलेगा कुछ ना कुछ निकलेगा ठीक है तो तोड़ के देख लेते हैं कुछ ना कुछ क्या निकलेगा तो देखिएगा इसमें पानी तो है नहीं है ना ऑक्सीजन होता तो मैं वाटर के साथ में H के साथ में ऑक्सीजन लगा के वाटर मॉलिक्यूल निकाल देती तो पानी तो नहीं निकलेगा तो क्या निकल सकता है स्टेबल क्या स्टेबल कुछ निकल सकता है इससे बिल्कुल निकल सकता है HCl निकाल के देखो क्या मिला NH3 मिला बारे में दो गैसेस मिल गई ठीक है HCl के वाइट फ्यूम्स और मेरी कौन अमोनिया क्योंकि मेरे टॉपिक में अगला कौन है अमोनिया ठीक है डन तो n2 का आपको इतना ही पढ़ना है n2 से आपसे यही सवाल पूछेंगे जो मैंने बताया अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक पर व्हिच इज अमोनिया अब देखिए अमोनिया आते हैं यहाँ पर अगेन इसको हीट करो ठीक है तो बिल्कुल वापस से वैसे ही हीट करोगे तो आप साफ-साफ देख पा रहे हो यहाँ से कि आपका क्या निकल जाएगा अमोनिया प्लस h2so4 और आप साफ देख पा रहे हो कि ये एसिड बेस रिएक्शंस है अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है एंड दीज आर वॉट एसिडिक है और ये क्या है बेटा जी बेसिक है बेसिक ठीक है, समझा है? अच्छा आई होप यहां तक की रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी ट्रिक्स ओके okay? चलो अब आगे चलते हैं बेटा जी जो नेक्स्ट मैथड है इसको आप कई बार देख चुके हो ठीक है कई बार आपने इसको देखा है टू प्लस थ्री एस टू गिव अमोनिया ठीक है कौन देता है क्या मिलता है अमोनिया ठीक है अमोनिया गैस मिलती है आपको ध्यान ये रखना है कि इसका, कि इसका इसका हैचर क्या है प्रेशर क्या है और इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है ठीक है ये इसके लिए बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो आप बस इसका ये ध्यान रखिए कि लो टेम्परेचर होता है टलेयर प्रिंसिपल से या रीजन में पूछे क्यों होता है तो आप बता सकते हैं ली प्रिंसिपल की वजह से होता है ठीक है बेटा जी एंड इट इज काइंड ऑफ एक्जो थर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको क्या पता है टेम्परेचर कैसा रखा जाता है लो रखा जाता है ठीक है डन 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 मेरा भी सांस थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी कराना है आप लोगों को चलो देखो अब आते बेटा जी एन एच फोर एनओ थ्री अगर मैं इसको हीट करूं एच फोर थ्री को तो हीट करने पर क्या होगा देखो एनएच फोर थ्री अब दोबारा से क्या करेंगे पानी निकालिए वाटर मॉलिक्यूल निकालिए देखते हैं मैक्सिमम वाटर न, वाटर मॉलिक्यूल कितना निकल सकता है देखिएगा भाई कितना निकल सकता है दो निकल सकता है क्या दो दो निकल सकते हैं बढ़िया बात तीन नहीं निकाल सकते चार नहीं निकाल सकते है ना देखो तो यहां रख दो 2H, ओके okay. अब क्या बच गया मेरे पास दो एन और एक ऑक्सीजन एन टू ओ ठीक है और ये एन टू ओ ही क्या होती है आपकी <laughs> <laughs> लाफिंग गैस होती है तो एन टू ओ इज योर लाफिंग गैस आपने देखा होगा ना आप पता नहीं कौन सी मूवी थी हाउसफुल टू थी, थी शायद उसमें लाफिंग गैस छोड़ देते हैं ठीक है तो यही होती है लाफिंग गैस ओके गैस. एन टू ओ और ये न्यूट्रल होती है इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाती एसिडिक होती या बेसिक होती तो हमारे शरीर को हार्म कर सकती थी डन चलिए आगे बात करते हैं यानी कि हम कहाँ आ गए हैं हमारे सिलेबस के अगले टॉपिक पर और अगला टॉपिक क्या है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओके तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में हमने पहला ऑक्साइड देखो बना लिया है ठीक है अब दूसरे ऑक्साइड की बात करते हैं देखिएगा बेटा जी ध्यान से ये जो है ये पांच ऑक्साइड्स हैं पहले ध्यान से ना एक टॉपिक अच्छे से समझ लो फिर हम इसके प्रिपरेशन पर आते हैं ठीक है इससे आपसे क्या पूछेगा पहले ये ये जानते हैं बेटा इससे आपसे पूछ लेगा कि एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबके निकालना ये आपको आना चाहिए असर्शन रीजन के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर आपसे पूछ लेगा इनका प्रिपरेशन मैथड या आपसे पूछ लेगा इनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे पूछेगा क्योंकि अब स्ट्रक्चर आपका थियोरिटिकल पेपर नहीं है ठीक है एमसीक्यू में पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए एन टू ओ फाइव में एनओ एन बॉन्ड कितने हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए और स्ट्रक्चर के लिए मैं बहुत सिंपल सी बात कहती हूँ कि भाई आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है और मिनिमम कितनी बस उतना रखिए ठीक है आप स्ट्रक्चर ऐसे बना जाओगे ठीक है डन बस वैलेंसी को पूरा कराइए स्ट्रक्चर बनाइए और वैलेंसी को पूरा कराइए ठीक है डन आगे आगे बात करते हैं तो पहला जो है हमारा देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एन टू ओ फाइव ये सामने लिखा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा शुरू के दो न्यूट्रल हैं बाद के ऐसे दिखे हैं. और ये क्यों है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ ठीक है अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप यहाँ से कंपटीशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सवाल और सीबीएसई में तो एक्सपेक्ट करिए ही कि यहां से सवाल आना ही आना है मैंने कहा ना अगर आप ये वीडियो ढंग से करके जाते हैं एक बार करने के बाद में दोबारा या तो लिख लीजिएगा या दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है इसमें से पक्का आपके दो से तीन नंबर पक्का पक्का आ जाएंगे ठीक है डन चलो आगे चलते अब देखो देखो ध्यान से एनओ और एनओ टू बेटा एनओ कैसे बनता है एनओ बहुत आसान है बनाना देखो ये रिंग टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट में देखोगे तो यहाँ एनओ बन रहे ठीक है तो ये एनओ का प्रिपरेशन मैथड भी कह सकते हो आप ठीक है अब एनओ जो है ये जब एनओ टू से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है देखिएगा ध्यान से मिला दीजिए इनको एन टू ओ थ्री ठीक है अब यहां देखिएगा बेटा जी ये दोनों के मिलने से बना है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड डन बात समझ आ गई क्यों बोल रहे हैं मिक्स ऑक्साइड क्योंकि ये इन दोनों के मिलने से बना है डन बात समझ आ गई चलो गुड अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पीबी थ्री होल्ड राइस आप हीट करिए आपका क्या मिलेगा मैंने कहा ना कि आपका लेड ऑक्साइड मिलेगा पानी निकल सकता है तो पानी निकाल दीजिए और क्या मिलेगा डन बात समझ आ गई चलिए 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 वेरी गुड अच्छा अब आगे आते बेटा जी हमारे पास में है है ठीक अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन है अब मैंने क्या किया लो टेम्परेचर पर इसको रखा तो ध्यान दीजिएगा हाई टेम्परेचर पर हाँ 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 अगर आप लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो, तो मोलिकुलर मोशन सीज हो जाएगा और अगर मोलिकुलर मोशन सीज हो जाएगा तो ये डाइमर जल्दी बनाएगा बेटा समझ लो मेरी बात अगर दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तभी तो डायमर बन पाएंगे लेकिन अगर इतनी जल्दी दौड़े जा रहे हैं भागे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा डायमर नहीं बन पाएगा है 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 ना तो तो लो पर क्या होता है? मोशन सीज होने लगता है, कम होने लगता लगता तो कम जिसकी वजह से इनको पता चलता अच्छा आसपास भी दुनिया है अच्छा उससे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं अदरवाइज ये मॉलिक्यूल इतना तेजी से रोटेट कर रहे थे इतना तेजी से घूम रहे थे कि एक दूसरे से रिएक्शन नहीं दे रहे थे बात समझ में आ रही है क्लियर ठीक है तो अब यहां देखिएगा लो टेम्परेचर अगर रखा है तो क्या होगा बेटा जी डाइमर फॉर्म हो जाएगा और एन टू फोर बन जाएगा ठीक है वेयर एज अगर आप हाई रखोगे तो क्या होगा बेटा ये टूट जाएगा और N2 बन जाएगा देन बात समझ में आ गई चलिए आगे चलते हैं बेटा ये ब्राउन रिंग टेस्ट है इसमें से आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन इस बार नहीं आ रहा है ठीक है आपसे इसमें से जो मैक्सिमम चीज पूछ सकता है वो क्या है वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है ठीक है कि ये जो बन रहा है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो याद रखिएगा प्लस वन है ठीक है आपसे कॉम्प्लेक्स पहचानने को कह सकता है ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है ये बताइए ठीक है डन इससे फालतू तो आपसे नहीं पूछेगा ये पूछ सकता है कि भाई आ, ब्राउन रिंग में कौन किससे कैसे कन्वर्ट होता है तो देखिएगा ध्यान से एक बार यह समझाई देती हूँ देखो बेटा जी एफ प्लस टू है यहां पे मैंने H प्लस लिया H प्लस मतलब कि एसिड लिया ये नाइट्रेट आयन मान लीजिए किसी सब्सटेंस में नाइट्रेट प्रेजेंट है तो ये उसी का टेस्ट चल रहा है ठीक है तो ये मेरा थोड़ा सा सब्सटेंस सब्सटेंस होगा होगा जिसके अंदर होगा? अंदर नाइट्रेट नाइट्रेट प्रेजेंट ऑलरेडी तो अब अब क्या वो के जो है ये ऑक्सीडाइज करने का काम करता है तो ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा बात समझ रहे हो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा बात समझिएगा ठीक है डन यही हुआ रिड्यूस होकर एनो बना दिया ठीक है अब देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है इसका कम हो रहा है डन अब देखो बेटा इसने इससे रिएक्ट किया तो एक वाटर का मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ बस बस आपने पहले भी ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं ले रही हूं एस एन पी उसका वैसे नाम है ठीक है क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा था जब आपने डिटेक्शन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तब तो उससे कंफ्यूज ना हो यहां पर अच्छे से याद रखें ब्राउन रिंग टेस्ट है ब्राउन रिंग। तो बाकी पानी और क्या है एक न, ओ नो ठीक है ठीक है बात समझ में आ रही है ब्राउन ब्राउन में क्या है नो तो बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं ना नहीं है, नाम नहीं आ नहीं रहे याद कई साल पहले आई थिंक गाने बने थे चलो कोई बात नहीं तुम्हारा टेस्ट है पेपर है वापस आते हैं गाने बाद में याद करेंगे ऑस्ट वर्ड मैथड अब आ गए हम सिलेबस के अगले टॉपिक पर विच इज योर एच एन ओ थ्री यहां से भी बेहद बेहद आसान है और ऐसा सवाल पूछेगा बिल्कुल बहुत आसान ठीक है एच एन ओ थ्री से पहले हां एक चीज मैं समझा दूंगी तो आपको ये दोनों बातें भी समझ में आ जाएंगी देखिए बेटा जी ऑस्टवर्ल्ड मैथड क्या कहते हैं ऑस्टवर्ल्ड ने बड़ा प्यारा सा मैथड बनाया बहुत प्यारा सा ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा देखो उन्होंने कहा यार मुझे बनाना है एच एन ओ थ्री मुझे बनाना है एच एन ओ थ्री अब मुझे यह बताए कि मैं एनओ टू अगर पानी डालू इसको मैं हटा रही हूं अगर मैं एनओ टू पर पानी डालू ध्यान से देखिएगा बेटा जी एनओ टू पर पानी डालिए एच टू ओ देखिए मिलाकर देखिए इनको क्या बनेगा एच टू एनओ सॉरी 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 एच एन थ्री एच थ्री देखिएगा बेटा जी एक एच ले लो यहां से, ह, एन और ये मिल जाएगा और ये हां बन जाएगा मेरा एन ओ ठीक है थ्री अब ध्यान से एन ओ थ्री बन जाएगा लेकिन मुझे एनओ टू कहां से मिले तो उन्होंने कहा बेस्ट मैथड क्या करते हैं बेस्ट बेस्ट तरीका क्या करते हैं कि भाई अपन लोग क्या करते हैं एनओ टू बनाने के लिए एनओ टू तो बनाया जा सकता है बाय ऑक्सीडेशन तो हम क्या यूज करेंगे शुरू से अमोनिया को यूज करेंगे किसको यूज करेंगे अमोनिया को यूज करेंगे और अमोनिया को अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया O2 के प्रेजेंस में और प्लैटिनम डाला हुआ बेटा जी प्लैटिनम H2O यूज करते हैं आपसे पूछ लेगा कैटलिस्ट कौन है ठीक है तो बेटा ये डाला तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा NO ठीक है अब NO अगर मैं O2 से रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा NO2 अगर मैंने एनओ NO को ओ टू से रिएक्ट करा तो भाई सिंपल सी बात है ये ऑक्सीडाइज करेगा यार इसको अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा समझ रहे हो मेरी बात सबसे पहले हमने क्या कराया इसको ऑक्सीडाइज कराया एनओ NO बनाया फिर हमने एनओ NO को ऑक्सीडाइज कराया क्या बनाया एनओ टू बनाया एनओ टू किस कलर की गैस है ब्राउन कलर की पूछ लेगा आपसे ब्राउन गैस ब्राउन ब्राउन गैस ठीक है अब देखो अब इस पे क्या कर दे? पानी डाल दिया बन गया हमारा एच

ओके okay. अब आगे आते यहाँ देखिएगा बेटा जी एनहाइड्राइड एच एन टू हाँ हाँ यहाँ एक रिएक्शन रहेगी बेटा हाँ इसी की रिएक्शन रहेगी ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से ये आपसे पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा ध्यान रखिएगा आपसे पूछ लेगा ये कौन सा ऑक्साइड है मिक्स ऑक्साइड ये पूछ लेगा ये किसका एनहाइड्राइड है क्या ये किसी का एनहाइड्राइड है तो हाँ है देखो ध्यान से एच एन ओ थ्री है अगर मैं एच एन ओ थ्री के दो मॉलिक्यूल को मिला दूं, तो मेरा एच टू एन टू ओ सिक्स बनता है ठीक है अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें से पानी को निकाल दूं, वाटर को मैं इसमें से पानी निकाल दूं, तो मुझे बताओ एच टू से एच टू खत्म क्या बन गया एन टू ओ फाइव तो कह सकती हूँ एन टू ओ फाइव इज द एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ थ्री और एनहाइड्राइड यानी कि एनहाइड्राइड कैसे बनेगा जब मैं उसको पानी सुखाऊंगी ठीक है बिल्कुल पानी भगाना नहीं है क्योंकि अगर बहुत सारा ऑक्सीजन भी निकल जाएगा गैस टूट जाएगी तो अब मैं यहां पर यूज करूंगी क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा हमारा पी फोर ओ टेन पी फोर बात समझ आ गई ठीक है डन आप पी फोर ओ टेन यूज करिए एच एन ओ थ्री में आपका एन टू ओ फाइव बन जाएगा प्रिपरेशन मैथड ऑफ एन टू ओ फाइव एन टू थ्री का प्रिपरेशन मैथड देखिए बहुत आसान है एच एन ओ टू एच एन ओ टू एड कर दीजिए दोनों को एच टू एन टू ओ फोर ठीक है पानी भगाइए इसमें से देखिए क्या बन जाएगा बनेगा ना एन टू ओ थ्री तो ये क्या हो होगा एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ टू ये सौ प्रतिशत जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सॉल्व कर रहा होगा पेपर या जिसने सॉल्व किए होंगे वो पाएगा ये सवाल और बच्चे सोचते रहते कि यार कैसे रटे कैसे याद करें इनऑर्गेनिक तो रटने का सब्जेक्ट है नहीं भाई इनऑर्गेनिक दिमाग का सब्जेक्ट है अगर समझोगे बेटा तो इनऑर्गेनिक बहुत आसान बहुत है बहुत ईजी है चलिए ठीक है आगे चले आगे चलते हैं अब देखिएगा बेटा और एग्जाम में ये सोच कर जाना कि इनऑर्गेनिक आती है और हाँ, सवाल आता हो तो ही आंसर करना तो मत मारना यार इनऑर्गेनिक में ठीक है तो दुनिया कायम नहीं है अब यह आते हैं एच एन ओ थ्री के कुछ रिएक्शन कर लेते हैं अगर मैं कॉपर के साथ डालती हूँ वैसे तो किसी पे भी आप एच एन ओ थ्री डालोगे कंसेंट्रेटेड एच एनओ थ्री अगर आप डालते हो किसी पे तो वो क्या करता है उसे रिएक्ट करेगा और देखो जैसे कि एक चीज बताती हूँ आपको ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से मान लो मैंने कार्बन पे डाला या सल्फर पे डाला या आयोडीन पे डाला मैंने एच एन ओ थ्री डाल दिए तो बेटा दो चीजें पक्का पक्का बनेंगी क्या सबसे पहले एनओ टू पक्का बनेगी वाटर पक्का बनेगा और आपको पता है कि एच एन ओ थ्री एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड के साथ साथ तो इसकी मर्जी होती है कहीं तो कहेगा कि यार मैं एसिड हूं मैं एच प्लस दूंगा कहीं कहेगा कि यार मैं कौन हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं जब उसको ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मेटल्स मेटल्स मिल जाते ठीक है तो वो क्या कहता है? मैं तो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं क्या दूंगा इनको क्या कर दूंगा इनको ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो सी को ऑक्सीडाइज कर देगा सी टू में सल्फर को कर देगा एच टू एस फोर में आई को कर देगा एच आईओ थ्री में समझ रहे हो मेरी बात और ये तो पक्का निकलना ही है ठीक है अब एक और के याद रखना। अगर कभी भी कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री है कौन सा एच एन ओ थ्री है कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री है तो हमेशा क्या निकलेगा बेटा जी हमेशा की बात है याद रखिएगा एनओ टू निकलनी ही निकलनी है ठीक है और पानी निकलना ही निकलना है यानी कि इन सब में भी सबसे कॉमन चीज क्या होगी कॉमन चीज क्या होगी पानी तो सब में कॉमन और कंसनट्रेटेड में क्या बताया मैंने एनओ टू हमेशा निकलेगा सॉरी हाँ एनओ टू हमेशा निकलेगा एनओ टू हमेशा निकलेगा ठीक है अब देखिएगा क्या कॉमन नहीं है कॉमन है डाइल्यूट में ठीक है कॉमन है डाइल्यूट में इनका ध्यान रखिएगा बेटा जी कॉपर का नाइट्रेट बनेगा कॉपर का नाइट्रेट बनेगा जेड एन का नाइट्रेट बनेगा Zn का नाइट्रेट बनेगा ठीक है अब देखो HNO H2 H2 सब में आएगा H2 सब में आएगा पता है आपको ठीक है अब यहाँ देखिएगा इनमें दिक्कत हो गई और इन्हीं में पूछेगा आपसे पूछेगा ही पूछेगा ठीक है तो याद रखना बेटा जी कॉपर कॉपर क्या होता है कॉपर होता है ठीक है मेटल होती है अब देखो कॉपर का कुछ लेके लेके जाओ किसी के पास ठीक है प्रपोज करने या कुछ तो क्या करेगा मना कर देगा नहीं कॉपर का नहीं क्या चाहिए कुछ कुछ गोल्ड चाहिए सिल्वर चाहिए कुछ भी लाके दो कॉपर नहीं चाहिए ठीक है तो याद रखना कॉपर और बेचारे का दिल टूटा दिल और उसने मना किया तो नो ठीक है नो हो सकता है हाँ भी कर दे गोल्डिगर ना हो तो ठीक है घास के पे भी वो जो घास की वो बनाते थे उस पर भी कई लोग हाँ कर देते थे लेकिन ये तो ठीक है ना अभी ट्रे क्या अपनी ठीक है तो कॉपर दिल नो ठीक है अब आते हैं जिंक पे क्या हुआ जिंक लेके जाओ अगली बार वो बंदा जिंक ले गया ठीक है तो उस पर बंदा हंसी पड़ा सामने वाला हंसी पड़ा हंस पड़ा तो कौन सी गैस है एन टू ओ याद रखेंगे क्लियर बात बेटा ये आपसे पूछेगा इनका दोनों को याद रखें कॉपर दिल लो और अगली बार जिंक लेके गया तो बिल्कुल हंस के मना बिल्कुल साफ मना अगली बार कुछ और मत एन टू ओ क्या है अ लाफिंग गैस बात समझ में आ गई ठीक है आई होप बेटा जी आपको इतना क्लियर हो गया होगा मैंने आपको फिफ्टींथ ग्रुप बहुत अच्छे से सारी रिएक्शन सारी चीजें कवर करा दी हैं आप इसको कर कर जाओगे दो देखो मैं दो से तीन नंबर मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ ठीक है अदरवाइज इससे ज्यादा ही आएगा मैं लेकिन मिनिमम लेके चलती हूँ ताकि बच्चे मेरे ऊपर कुछ ना उंगली उठा सके कि मैम आपने बोला था उतने का नहीं आया तो दो से तीन का तो मिनिमम आना है ठीक है आएगा इससे ऊपर का ही तो बेटा जी मेरी तरफ से वेरी वेरी बेस्ट विशेष और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए या और कुछ का रिक्वायरमेंट है मेरी और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए हम बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक आपके साथ कोशिश कर रहे हैं और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और बेहद बहुत 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 सारा खुश रहिए और बेहद से अच्छा पेपर दीजिए बाय